प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर विरोध जताया है, सुनना क्या है? देखिए, ये पूरा देश का मुद्दा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में स्टैंडिंग कमेटी में ठीक से चर्चा हुई है ना? जो प्लेयर्स है उसमें, यूनियंस है, जैसे महाराष्ट्र में भी बहुत लोग हमें आकर मिलते हैं, दिल्ली में ही बहुत लोग आकर बैठे हैं स्टेट से, सबके साथ बात करनी चाहिए, स्टेट के साथ बात करनी चाहिए। लेकिन अचानक से आप बिल लेके आते हो, जैसे सबसे बड़ा उनको महाराष्ट्र में एमएसएमई को फटका बैठने वाला, एमएसएमई है और भी इलेक्ट्रिक जो स्टेट की इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं, सबके लिए ये बहुत ही खतरनाक बिल साबित होने वाला है। उस बारे में हमारी स्टडी चल रही है पार्टी में और मुझे लगता है ये बिल देश के हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है। जे बिल सरकार आणता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, त्याच्यावरती आमच्या पक्षातसुद्धा चर्चा झाली, देशभरात चर्चा होते। एमएसएमई सारख्या ज्या राज्याच्या कंपन्या आहेत, संस्था आहेत, त्यांच्यासाठी धोक्याची घंटा आहे, त्याच्यावर राज्यांशी चर्चा झालेली नाही। अनेक राज्यातून वीज कर्मचारी असतील, अधिकारी असतील, दिल्लीतून थांबलेले आहेत, त्यांच्याशी बोलावं लागेल, पण कोणाशीही चर्चा न करता अशा प्रकारची विधेयकं सरकार घाईघाईनं मंजूर करत असेल तर मला असं वाटतं सगळ्यांनी एकत्र येऊन त्याच्यावर चर्चा करणं गरजेचं आहे। सध्या अधिवेशन चालत नाही आहे, त्याचा फायदा घेऊन ही अशा प्रकारची बिलं मंजूर केली जातात। संसद नाही चल पा रहा है, लेकिन सर अगर बिल आ भी रहा है देख लेंगे। अभी इस प्रकार के बिल के बारे में क्या करना है, सबको एक साथ बैठकर चर्चा करनी पड़ेगी।